न्यूज़ शिकागो कॉन्फ्रेंस की खसूसी कवरेज कर रहा है। लम्हा बलम्हा होने वाले अपडेट्स से हम आपको आगाह कर रहे हैं, इसके लिए हमारे नुमाइंदे वैस सलीम और दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर्स नसीम ज़हरा शिकागो कॉन्फ्रेंस में मुसलसल मौजूद हैं। वैस सलीम से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। वैस, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी देखिए तारिक, इस वक्त जैसे हमने सुबह भी बात की थी कि दो अहम मुलाकातें जो हैं बैक टू बैक, पहले सदर कारज़ई के साथ और उसके बाद इस वक्त हिलरी क्लिंटन के साथ जो कि मुलाकात अभी भी तकरीबन एक घंटा होने को आया है, जारी है सदर जरदारी की। इन दो मुलाकातों में ये तायुन होना है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस से क्या लेकर जाएगा, क्योंकि यही जो आज के मुज़ाकरात हैं ये एक तरह से कल जब सारा दिन अफगानिस्तान पर बातचीत होगी उसमें इसकी बाज़गश्त सुनाई देगी, और अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी कल जब इन मुज़ाकरात में बातचीत होगी तो वो भी सामने आएगा। ताहम इसकी जो सिग्निफिकेंस है इन मुलाकातों की उसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर्स और पॉलिसी मैटर्स की होस्ट नसीम ज़हरा। जी नसीम, इन मुलाकातों का जैसे मैंने अभी तذکرہ किया बिल्कुल बैक टू बैक मुलाकातें हैं, क्या आपको लगता है कि इन मुलाकातों से पाकिस्तान को हासिल हो सकता है? देखिए डिपेंड करता है, एक तो ये कि जो इस वक्त मुलाकात हो रही है सेक्रेटरी क्लिंटन के साथ, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर जाकर फंसे हुए हैं, और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि सबसे जो एक बुनियादी इशू था नेटो सप्लाईज़ को खोलने का, उस पर भी कोई भी किस्म की एग्रीमेंट नहीं हो पाई, और उसी की वजह से ये जो ट्राइलेटरल मीटिंग थी एक्सपेक्टेड थी कि प्रेसिडेंट ओबामा की और इनकी होगी कारज़ई साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी की, वो नहीं हो रही। अब मौजज़ाना तौर पे कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फ़िलवक्त यही लग रहा है कि ये मीटिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट ओबामा से तो नहीं हो रही मीटिंग, लेकिन सेक्रेटरी क्लिंटन के साथ अब किस हद तक प्रेसिडेंट ज़रदारी ये तमाम जो मसाइल हैं उनको सामने ले के आते हैं, और क्या सेक्रेटरी क्लिंटन कोई लेके आती है मैंडेट जिसके तहत ये कंटेनर्स इशू पे, देखिए टर्म्स पे एग्रीमेंट नहीं हो रही, कंटेनर्स इशू की टर्म्स पे सेक्रेटरी क्लिंटन कुछ ना कुछ कहती हैं, तो उससे मेरा ख्याल है तायुन होगा इसका कि ये मीटिंग से क्या निकला है। दूसरा ये याद रहे कि सेक्रेटरी जो इनके डिफेंस है पनेटा, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली दो रोज़ पहले कह दिया जो पाकिस्तान मांग रहे हमने नहीं देना, तो पाकिस्तान एक तरीके से ये कहेंगे हम कि सेक्रेटरी क्लिंटन के साथ सबसे अहम मीटिंग है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात एक जगह पे जाकर फंस गए हैं। चाहे ये इशू है अपॉलोजी का, तो मेरा ख्याल है चेकलिस्ट जो अमेरिकनों ने अपनी बनाई है पाकिस्तान के साथ उसमें अपॉलोजी का तो इशू इन्होंने निकाल दिया बिल्कुल, उसके बाद अब बाकी जो है ड्रोन अटैक्स पे इस पे उस पर, लेकिन इस जो समिट पे प्रेसिडेंट आए हैं जरदारी वो अब जैसे आपने खुद अभी कहा और सही कहा कि प्रेसिडेंट कारज़ई से वो अपनी जो पोजीशन है वो बयान करेंगे, और प्रेसिडेंट कारज़ई कर चुके हैं मीटिंग, और जैसे अभी बात हो रही थी पहले शायद प्रेसिडेंट कारज़ई ने कहा होगा इनको प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कि आप कोई म्याना रवि इख्तियार करें, कोई ब्रेक थ्रू हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो कल जो कॉन्फ्रेंस है वो अफगानिस्तान के हवाले से कंटेनर्स का इशूज़ बिकम द मेजर इशू, तो अहमियत तो बहुत है इन मीटिंग्स की, और अब देखते हैं। मुझे उम्मीद ज़ाती तौर पर कोई नहीं है कि कोई मेजर इसमें से ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन यहाँ आना सही है क्योंकि कल जब 60 हेड्स ऑफ स्टेट्स बैठे होंगे और रशिया भी बैठा होगा, जापान भी बैठा होगा, और ये सेंट्रल एशियन हेड्स ऑफ स्टेट बैठे होंगे, तो पाकिस्तान की डेलीगेशन को तफसील में अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिलेगा। तो आप जैसे कह रही हैं कि इस वक्त ब्रेक थ्रू का इम्कान कम है, तो सदर जरदारी ने बिल्कुल आखिरी मौके पर जो ये फैसला किया कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जाए, और हमने ये देखा था कि अमरीकी अहलकारों ने और नेटो ने बड़ा वाज़ह तौर पर यह कहा था, इशारा दिया था कि पाकिस्तान की शिरकत जो है वो नेटो सप्लाई की बहाली से मशरूत है,
तो क्या ये फैसला जल्दबाजी में किया गया या आपको लगता है कि जो नेटो और अमरीकी एहलकार हैं वो जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है उससे कुछ पीछे हटने को और निगोशिएट करने को तैयार नहीं है? अच्छा, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा अगर हम रिवर्स गियर लगाएं और देखें हुआ क्या हुआ, ये कि अमरीका भी चाह रहा था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे, पाकिस्तान के बगैर पीस प्रोसेस कहीं ज़्यादा जाता नहीं, और पाकिस्तान भी समझता कि अकेला ये कुछ नहीं कर सकता, तो दोनों तरफ से ये चाह रहे थे कि भाई पार्टिसिपेशन हो। पाकिस्तान की फॉरन मिनिस्टर ने कहा जी ब्रेक थ्रू के अब 6 महीने बंद हमने कर लिया तो बहुत है, अब हमें खोलना चाहिए। आपकी DCC की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई कि कंक्लूड होंगी नेगोशिएशंस। उसके नतीजे में मेरा ख्याल है वाशिंगटन में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नेगोशिएशंस तो जारी रहेंगी कि किस तरह से सप्लाई रूट्स किन टर्म्स पे खुलें, और अमेरिका की डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है। साथ साथ अमेरिका ने ये आपको रिक्वेस्ट किया कि जो कुछ 100 कंटेनर्स हैं उनको आप कम अज़ कम जाने दें, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं कुछ 100 भी नहीं जाने देंगे जब तक नई टर्म्स भी नहीं बनेंगी। तो ये जो हुआ ये सब में इसकी वजह से बात खटाई में पड़ गई। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा, पाकिस्तान एग्री करेगा, पाकिस्तान का ख्याल है कि भाई हमने अपॉलोजी पे भी फिलहाल इसको बैक बर्नर पे डाल दिया और हमने और भी चीज़ें जो यूनिलैटरल स्ट्राइक्स वगैरह वो भी नहीं किया, कम अज़ कम कुछ तो मानो। तो बात आके दोनों मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग से पहुँच गए, या ये शायद कहना ठीक होगा कि जो हम जैसे लोग और मैं अपना भी कहती हूँ, हम कहते रहे कि लिंकेज है और वो इन्विटेशन इसलिए क्योंकि नेटो सप्लाई लाइन्स खुलेंगी, हमें यहाँ के अगर हम नेटो के लोगों से बात कर रहे हैं और अमरीका के लोगों से बात करें तो बड़ा क्लियर है कि नेटो सप्लाई लाइन्स जो एक डेडलॉक है वो मौजूद है। जी तारिक, जैसे आपने सुना बुनियादी मसाइल जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो अभी तक बरकरार हैं, जब तक ये बुनियादी मसला नेटो सप्लाई का हल नहीं होता कोई मस्बत पेशरफ्त होने का इम्कान खासा कम है। जी बहुत शुक्रिया सलीम हमेशा।